समस्तीपुर दरभंगा पथ पर कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दुमदुमा पुल के पास शनिवार की दोपहर एक बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दौरान बस पर सवार एक छात्रा समेत 8 लोग जख्मी हो गए। जख्मी सभी लोगों को कल्याणपुर PSC में भर्ती कराया गया। वहीं बस में फंसी एक छात्रा को ग्रामीणों के सहयोग से बाहर निकाला गया, जिसको समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी छात्रा की पहचान चकमेसी थाना क्षेत्र के गुराई घाट निवासी अजय महतो की पुत्री प्रियंका कुमारी के रूप में की गई है। प्रियंका कुमारी समस्तीपुर शहर के ही एक निजी कोचिंग में पढ़ाई करने के बाद वापस घर लौट रही थी। उधर घटना की सूचना के बाद परिजनों के बीच अफरातफरी मच गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि समस्तीपुर से दरभंगा के लिए जा रही बस कल्याणपुर थाना क्षेत्र के दुमदुमा पुल के पास एकाएक अनियंत्रित हो गई, जिस कारण पास से गुजरने वाली बूढ़ी गंडक नदी के बांध पर बस असंतुलित होकर चढ़ गई। इस दौरान स्थानीय लोगों की मदद से सभी जख्मी को इलाज के लिए भेजा गया। ये हमारी साला की लड़की है, समस्तीपुर लक्ष्य कोचिंग में पढ़ने के लिए आती थी और यहाँ से रिटर्निंग घर पर जाने के वक्त बस जो है सो दुमदुमा पुल के पास बांध पे चढ़ गई, एक्सीडेंट हो गया जिसमें ये जो है सो बस में फंसी हुई थी और बेहोशी हालत में लोग सब जो है सो अपना स्थानीय लोग इसको बाहर निकाल के पास में ही प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती एडमिट किया। उसके बाद हम लोगों का खबर मिली तो हम लोग आए और सदर में कल्याणपुर हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ से रेफर आ गए सदर। क्या नाम है आपका? प्रियंका कुमारी। आपका नाम? मेरा नाम मनोज महतो।